हेलो रीडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, चैनल में आपको डॉलर इंडेक्स, गोल्ड और सिल्वर के इंटरनेट आगे से देते हैं। तो आज के जो हमने लेवल्स दिए थे, एक बार उनको डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद हम कल के लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से देखिए, हमने डिसेसिव लेवल मार्क किया था। डिसेसिव लेवल यहाँ से सेल साइड पर एक्टिवेट हुआ, फर्स्ट टारगेट हिट किया, सेकंड टारगेट, थर्ड और फोर्थ टारगेट पर मार्केट अभी सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। तो मार्केट ने बहुत अच्छे से हमारे जो लेवल्स हैं उनको रिस्पेक्ट दिए, और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली हमारे लेवल्स पर आकर मार्केट सपोर्ट लेती रही है। यहाँ पे भी और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है आज मार्केट ने। अब अगर हम कल के लिए बात करें, तो हम सबसे पहले क्या करना है, हमें जो मार्किंग कर रखी है, हमने ब्लैक मार्किंग कर रखी है, इसको ग्रीन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये अभी हमारे टारगेट एरियाज में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा 105.115 पर, जिसको हमने थिक लाइन पहले भी मार्क किया हुआ था, पिछले वीडियोज़ में हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था। तो यही हमारा एक डिसिसिव लेवल रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेती है और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो 105.164 फर्स्ट, 105.187 सेकेंड, 248 और 278 हमारे टारगेट्स रहेंगे बाई साइड के। और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, तो 105.087, 052, 029 और उसके बाद 104.970 का एक ट्रेड मिल सकता है। कल इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, तो डाटा एनालिसिस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। और जो इम्पैक्ट फुल डाटा होगा डॉलर इंडेक्स के लिए, उसको हम वीडियो के एंड में डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ ही हम मार्क करेंगे गोल्ड के लेवल्स को। गोल्ड के लेवल्स में भी देखिए, मार्केट साइडवेज ही रही है, इन दोनों डिसेसिव लेवल्स के बीच में ही रही है, मार्केट ने इनको ब्रेक ही नहीं किया है। तो आज गोल्ड ने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिखाया, वो उसका रीज़न भी ये है कि आज कोई भी अच्छा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं था। तो डाटा ना आने की वजह से मार्केट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन बनी रहती है, और मार्केट में एक आइडिया नहीं लगता है कि मार्केट अब किस तरह का स्ट्रॉन्ग मूव ले सकती है। इसलिए ऐसे केसेस में मार्केट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दे पाती और साइडवेज चली जाती है। तो सेम डिसेसिव लेवल्स रहेंगे 2361 और 2354। 2354 टूटा तो 2352, 2348, 2346 हमारे सेल साइड के ट्रेड रहेंगे। इसके बाद अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आती है, तो हमें कॉशियसली प्लान करना होगा, ज़्यादा देर हम सेल साइड पे मार्केट में वेट नहीं करेंगे। अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है, अपसाइड का लेवल तोड़ती है, तो 2365, 2369, 2374 और 2383 हमारे बाई साइड के ट्रेड्स रह सकते हैं, इनको आप मार्क कर लीजिए। एक्सचेंज यूएसडी में अगर हम बात करें, तो मार्केट ने यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट किया, फर्स्ट टारगेट हिट किया, सेकंड टारगेट हिट किया, इसके बाद मार्केट ने कोई ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं किया सेल साइड का। ठीक है, तो मार्केट, और यहाँ पे देखिए हमारे पास ट्रेंड लाइन है जो कि सपोर्ट दे रही है, ये सेम सपोर्ट हमारा अभी भी बना रहेगा। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो ये हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है डिसेसिव लेवल अपसाइड का 30.58, इसको हमें ग्रीन में कन्वर्ट करना होगा। 30.43 एक हमारा डिसेसिव लेवल बना रहेगा, ये अगर टूट जाता है तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा 30.58। लेकिन देखिए, ऊपर जा रही है मार्केट, तो भी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे यह सच कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, बट हाँ ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो आप कोशिश कीजिए, जब मार्केट 30.47 के ऊपर चली जाए, तब आप ब्रेक कीजिएगा, तब आप बाई साइड का ट्रेड प्लान कीजिएगा। 30.58, 30.68 और उसके बाद 30.91 का हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। सेल साइड पे अगर मार्केट आती है, तो मार्केट सबसे बहुत ईजिली 30.34 को हिट कर सकती है। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है, तो हमें सेल साइड का एक और ट्रेड देखने को मिल सकता है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम, और हमारा सेल साइड का ट्रेड रहेगा 30.26 का। इसके बाद हमें वेट करनी होगी, जब तक ये ट्रेंड लाइन, जिसको हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं मार्केट में, अगर ये ब्रेक नहीं होती है तो 30 पॉइंट, ये ब्रेक हो जाती है तो 30.111 और उसके बाद ये नेक्स्ट सपोर्ट लाइन, ये ट्रेंड लाइन जो हमें हेल्प कर रही है ट्रेड्स प्लान करने में, हमें डायरेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है, ये हमें हेल्प करेंगे। अब देख सकते हैं मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, वापस से एक रेड कैंडल दी है डे के चार्ट में, और अभी मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही है कि मार्केट किस साइड पे जाएगी, रीजन भी कोई स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं था। सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर फ्यूचर्स में हम बात करेंगे। यहाँ पे भी देखिए, मार्केट ने सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट किया, उसी को हिट किया मार्केट ने, ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है आज। ठीक है, तो अगर हम बात करें टारगेट एरियाज की, तो सेम लेवल्स रहेंगे जो हमने आपको आज की वीडियो के लिए दिए थे, क्योंकि सेम लेवल पर मार्केट के प्राइसेस अभी काम कर रहे हैं। 92,059 हमारा अपसाइड का डिसेसिव लेवल रहेगा, 91,806 सेल साइड का डिसेसिव लेवल रहेगा। सेल साइड का डिसेसिव लेवल टूटता है तो 91,513, 91,224 या फिर ये ट्रेंड लाइन जो भी पहले आएगा वो हमारा टारगेट रहेगा। ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है और 91,224 टूट जाता है, तो हमें 90,646 का ट्रेड देखने को मिल सकता है।
अदरवाइज इन केस अगर मार्केट बाय साइड के ट्रेड एक्टिवेट करती है, यानी कि 92,059 को ब्रेक करती है, तो 92,242, 92,501794 हमारे टारगेट्स रह सकते हैं, इनको आप मार्क कर लीजिए। हम डिस्कस कर लेते हैं डाटा को जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा भी काफ़ी सारा डाटा आ रहा है, तो हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये फोकास्टेड डाटा है, ये आपका प्रीवियस डाटा है, एक्चुअल फिगर्स हमें कल देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हम डी एक्स वाई का इम्पैक्ट देख लेते हैं कि क्या पड़ेगा डी एक्स वाई पे इस डाटा का। 6 बजे 3 डाटा आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। आवर्ली अर्निंग्स जितनी बढ़ेगी डॉलर इंडेक्स उतना बढ़ेगा। नॉन फार्म पेरोल का डाटा जितना ज़्यादा पॉजिटिव आएगा उतना ही ज़्यादा डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ये बेसिकली आपको ये बताता है कि पिछले महीने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, एक रफ आप इससे आइडिया ले सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जितनी बढ़ेगी उतना बुरा होता है इकोनॉमी के लिए, तो नेगेटिव जाएगा। और उसके बाद है फेड मॉनिटरी पॉलिसी की रिपोर्ट है, इसमें हमें कोई फिगर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ हम इसमें थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये डाटा आप नोट कर लीजिए, साथ के साथ डाटा एनालिसिस की वीडियो को देख लीजिए, और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम आप तक डाटा की अपडेट्स टाइमली पहुँचा सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कीजिए। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।